सिद्धार्थ नगर जिले के डुमरियागंज तहसील पर रविवार देर शाम महाराष्ट्र सभा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसमी आजमी का आगमन हुआ। अबू आसमी आजम डुमरियागंज तहसील पर सपा द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन एवं मुशायरे में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सिद्धार्थ नगर जिले के डुमरियागंज तहसील पर रविवार देर शाम महाराष्ट्र सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी का आगमन हुआ। अबू आसिम आजमी डुमरियागंज तहसील पर सपा द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन एवं मुशायरे में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अबू आसिम आजमी का जिले की सीमा पर समाजवादी नेता इंजीनियर रामफेर यादव ने सैकड़ों मोटरसाइकिल सवारों के साथ स्वागत किया। मुशायरे में शामिल होने से पहले मुंबई सपा प्रदेश अध्यक्ष ने इंजीनियर रामफेर यादव के आवास पर एक भव्य कार्यक्रम में जिले के सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात। इस मौके पर सपा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे और देर रात लंबे काफिले के साथ अबू आसिम का काफिला मुशायरा स्थल पर पहुंचा। इस मौके पर अबू आसिम आजमी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा की लहर है। इस बार प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी। भाजपा सरकार से हर कोई त्रस्त है। प्रदेश और केंद्र में हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और हर तरफ अराजकता फैली हुई है। शिवपाल यादव से गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि चाचा और भतीजे में जल्द ही गठबंधन हो जाएगा और सीटों का तालमेल भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि सपा को छोटे दलों के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सबका साथ लेकर चलने के लिए वे गठबंधन कर रहे हैं। अब जाहिर है यूपी के जो विधानसभा चुनाव है इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ सपा का कहना है कि वो विकास में चुनाव लड़ेगी, आप लोगों की पूरी पार्टी इसी लाइन पे चल रही है। दूसरी तरफ भाजपा जो है वो जाहिर है जातिगत और इसके ऊपर कम्युनल चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि भाजपा जो है वो इस चुनाव को कम्युनल करने में काफी हद तक कामयाब हुई है और आपका जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, फिर आप क्या करें? नहीं है, लोग जज्बात में धर्म के नाम पर थोड़ा भय जरूर जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक नहीं। लोगों अब जिनको उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को इस देश में हर साल नौकरी देंगे, मैं उनसे पूछता हूं कि आज अगर रेलवे बिक रहा है तो उसमें 2% मुसलमान है, 98% हिंदू भाई काम करता है। ये जो कम्युनल कर रहे हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर, ये 98% हिंदुओं की नौकरियां जो सरकारी नौकरी थी उसे खत्म करके, रिजर्वेशन खत्म करके उनको बर्बाद कर रहे हैं। अरे सरकारी नौकरी में आदमी 8 घंटे में 6 घंटे काम करा निकल जाता था, 12 घंटे काम करने पड़ेंगे, तनख्वाह कम मिलेगी। इसी तरह एयर इंडिया बिक रहा है, एयर इंडिया में 1% मुसलमान है, 98% हिंदू भाई काम करता है, 99% हिंदुओं की नौकरी जाएगी। तो ये कम्युनल जो कर रहे हैं ना, इन भाइयों की हम आंख खोलने आए हैं। फिर समझो अगर गंगा और जमुना में लाशें बह रही थी तो मुसलमान के लिए बह रही थी, हमारे हिंदू भाइयों के बह रही थी जो हिंदुत्व का दावा दे करके हिंदुओं के संरक्षण बनते हैं, उन्हीं की लाशें बह रही थी। तो उनकी आंखें खुल रही हैं, महंगाई बढ़ गई है, सबके लिए बढ़ी, खाली एक फोन के लिए नहीं बढ़ी है। और जो भी सरकार चलाने में धर्म का नाम लाए समझा, वो बहुत बेकार लोगों के हाथ में सरकार है। और जो लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं समझो, वो अच्छे लोगों के हाथ में सरकार है। तो अब जो है ये पाप का घड़ा भर चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि अब बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। जो लोग बीजेपी का नाम लेकर बहुत अपनी जान देने को तैयार थे, वो बीजेपी की अब बात सुनने को तैयार नहीं। जी चुनाव जाहिर है, अलायंस की जहां तक बात है, डेली किसी न किसी से अलायंस मतलब कुछ न कुछ हो रहा है सपा का, लेकिन जो इनकी जो पार्टी है, इनके चचा की जो पार्टी है, वो एक तरफ तैयार है। उन्होंने एक ही हफ्ते का जो है वो अल्टीमेटम भी दिया हुआ है कि एक हफ्ते में अगर नहीं होता है तो फिर मैं अपनी राय देख लूंगा। इसमें इतनी देरी फिर क्यों हो रही है? देखिए ऐसा है ना कि शिवपाल जी का भतीजे की बात है और जो है अब जनता देख रही है कि सरकार कौन बनाएगा। अब ऐसा वक्त आ गया है कि लोग अपने वोट को खराब नहीं करेंगे और हमें उम्मीद है कि चाचा भतीजे का जरूर मेल होगा और सीटों की बात है उसमें सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन आज जो अलायंस की जरूरत समाजवादी पार्टी को ज्यादा नहीं है, हमको बैसाखी की जरूरत भी नहीं है। आज जनता में एक लहर है समाजवादी के लिए, तो फिर हमें क्या जरूरत किसी